नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित यादव आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करता हूं और जितने भाई इस चैनल से जुड़े हुए उनका बार बार धन्यवाद। इस चैनल को इतना प्यार दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। दोस्तों, आज की वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं उसका तो आपने टॉपिक है वो थंबनेल के अंदर देख लिया होगा और शायद ही आपके पशु के अंदर ये बीमारी होगी जब भी आपने इस वीडियो के अंदर देखने को आए हैं। तो आपको मैं सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आपने जो स्थनेला रोग होता है पशु के अंदर, उसकी अगर हम फर्स्ट स्टेज के ऊपर उसका उपचार कर देते हैं तो जो पशु के अंदर जो सेकंड या थर्ड स्टेज का थनेला रोग होता है वो नहीं आने देता है वो उपचार उसको। उसी प्रकार हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपके पशु के अंदर थनेला रोग आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना हो सकता है। थनेला रोग भी एक प्रकार का नहीं होता है, जैसे कई प्रकार के थनेला रोग होते हैं जो अपने ये थन होते हैं उसमें गांठ हो जाना, अच्छी मोटी सारी थन के अंदर खून आना, थन के अंदर जो मवाद आ जाती है कई बार, वो भी थनेला रोग होते हैं। और जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर बनाने जा रहे हैं कि जो सभी किसान भाई हो अगर वो इस उपचार का प्रयोग अपने पशुओं के ऊपर करते हैं तो उनको गारंटेड ही लाभ मिल सकता है। आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो साथ में बेल आइकन होती है उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो हमारे नए आने वाले वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जब आपके पशु के अंदर थनेला रोग की शिकायत है तो आपको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो सामग्री है जो काली मिर्च होती है। आपकी काली मिर्च होती है वो एक एंटीबैक्टीरियल होती है जो पशु के अंदर बैक्टीरिया नहीं आने देती, और सबसे पहली बात होती है जो थनेला रोग होता है वो पशु के अंदर बैक्टीरिया से ही फैलता है, तो काली मिर्च आपको लेनी है। फिर आपको जो एक खेपरा आता है, पेड़ आता है, खेपरे की छाल लेनी है। उसके बाद आपको जो आपकी ये रहती है काली जीरी लेनी है, सोया के बीज लेने हैं, चिया घास लेनी है, नौसादर लेनी है, वह आपको जो समुद्री झाग होते हैं वे लेने हैं। अब आप मैं इसकी आपको क्वांटिटी बता दूंगा क्योंकि कई भाई इलाज तो बता देते हैं परंतु जो क्वांटिटी है वो नहीं बता कि पशु को कितने देनी है। तो अब मैं आपको क्वांटिटी बताने वाला हूँ कि इनकी जो ये अपने मैंने आपको बताए हैं इनकी क्वांटिटी है वो कितनी लेनी है। तो जो सबसे पहली बात आती है कि जो सारी औषधि होती है ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं इनका आपको 100 ग्राम लेना है, परंतु जो आपको ये समुद्री झाग और नौसादर आपको दुगनी मात्रा में लेनी है, यानी कि जो 100 ग्राम का दुगना 200 ग्राम हो गया और तो आपको सभी 100 ग्राम लेनी है, और समुद्री झाग व नौसादर आपको 200 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये इनका सभी का एक चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण को पशु के सुबह शाम 100 ग्राम उस चूर्ण को दे दीजिए। आपके पशु में जो निश्चित ही थनेला रोग है वो दूर हो जाएगा। और आपको एक अगर आप पहले ही आपको थनेला रोग के लक्षण दिख जाते हैं तो सबसे फर्स्ट इलाज है कि अपने देसी इलाज का प्रयोग कीजिए, आप बाद में भी डॉक्टरों का सहारा लीजिए। और आपको एक बात बता देता हूँ कि जो नीम होता है वो भी अगर अपने पशु को आप नीम खिलाते हैं तो 50% जो थनेला रोग है वो आपके पशु के अंदर नहीं आएगा। आपके आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा नीम होंगे, आप अपने पशु को लेकर एक दो चार पत्तियाँ खिला दीजिए, आपके पशु 50% थनेला रोग वैसे नहीं आने देता। और जहाँ पर आपके पशु बनते हैं जिसको ठाण बोला जाता है हरियाणी भाषा में, उस ठाण के ऊपर भी जब पशु बंध्या हुआ होता है तो शाम के समय नीम की धूनी कर दीजिए, आपका पशु बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे पास, थनेला रोग भी आपके पशु को नहीं कष्ट पहुंचाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और छोटी सी इन्फॉर्मेशन को आगे किसान भाई उनके पास जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सीमा पर जवान खेत में किसान जो भी भाई लगे उनका बार बार धन्यवाद।